भाभी माँ, आप मेरा वाक्य मत दोहराइए, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, आपको ठीक करने आया हूँ। भाभी माँ, आप मेरा वाक्य मत दोहराइए, मैं आपको ठीक करने आया हूँ। भाभी माँ, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? भाभी माँ, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? भाभी माँ देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। भाभी माँ, मैं देखिए आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। भाभी माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? भाभी माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको पता है भाभी माँ, आप जो ये कर रही हैं ना, इसकी वजह से मेरे दिमाग में एक अजीब सी इरिटेशन हो रही है। भाभी माँ, आपको पता है जो आप ये कर रही हैं ना, इससे मेरे दिमाग में बहुत इरिटेशन हो रही है। भाई माँ, मैं पागल हो जाऊंगा। भाभी माँ, मैं पागल हो जाऊंगा। भाई माँ, मैं पागल हो रहा हूँ। मैं पागल हो रहा हूँ। ऐसा मत करिए। सुनिए भाई माँ, ऐसा मत करिए। क्या आप प्लीज सुनिए मेरी बात। I like it. अरे दादा, अरे दादा। थैंक यू दरोगा जी, हमने बुलाया और आप दौड़े चले आए। थैंक यू गोरी मैम, आपने बुलाओ और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। थैंक यू सो मच। आप जैसा मर्द तो पूरे कानपुर में कोई नहीं। क्या बात कर रही है गोरी मैम, मतलब आपने मान लो कि हम मर्द हैं। लेकिन मैं तो आपको हमेशा से ही मर्द समझती थी, औरत तो नहीं समझती थी। आप जैसा जवान, हैंडसम, तोंदीला मर्द तो पूरे कानपुर में कोई भी नहीं है। जो तो आपको प्यार है गोरी मैम। अरे विभूति भैया, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। क्यों ढूंढ रहे थे? मेरा अचार डालना है आपको? काम तो आपको आता नहीं, बस ये आला गले में डाल के घूमते रहते हैं घंटी की तरह। अरे मैं आपसे काम की ही बात करने आया हूँ। क्या काम की बात करने हैं, जरा बताइए। यही कि आप लोग भाभी जी की फिक्र करना छोड़ दीजिए। क्यों भाई? भाभी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और वो भी बिना किसी इलाज के। वो कैसे? क्या हुआ था कि एक बार मेरी माता जी को भी ऐसा ही अटैक पड़ा था, ऐसे ही पागलपन के दौरे पड़ते थे, तो मैं उनको एक डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर ने बताया कि आप ऐसा करिए, इनको खुला छोड़ दीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाएंगी। और मैंने खुला छोड़ दिया और मेरी माता जी बिल्कुल ठीक हो गई। तो आप लोग भी भाभी जी को एकदम खुला छोड़ दो, खुला, भाभी जी ठीक हो जाएंगी। अनु बिना इलाज के ठीक हो जाएगी? जी, मतलब भाभी जी ठीक हो जाएंगी? वही कह रहे हैं वो भी। अरे चाय बनाओ जरा। मम्मी, बेबी, तुम मुझे मारोगी? तुम्हारा पति हूँ बेबी, अगर खून करना है तो तिवारी जी का करो ना। क्या 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 बकवास कर रहे हैं आप? आप भी तो अदिता भाभी के पति बनने के लायक नहीं है, एक नाम नल्ले हैं, एक नंबर के कामचोर बेरोजगार। अगर मैंने लाऊं तो आप घटिया गिरे हुए और चीटर इंसान हैं। आप लोगों को अपने घटिया कच्चे बनियान बेचकर उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। आप जीने का कोई अधिकार नहीं है। अनु, किल दिस मैन। मैं तुम दोनों को काट डालूंगी, क्योंकि तुम दोनों घटिया हो।